गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ लौकी दो प्याजा। लौकी दो प्याजा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़े साइज का लौकी लिया हुआ है और चार प्याज लिया है। लौकी और प्याज को मैंने साफ कर लिया है, छिलका निकाल के अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम फाइनली चॉप करेंगे। और मैंने यहाँ मसालों में मैंने यहाँ लिया है 3 मोटी इलायची और 3 छोटी इलायची और ये दालचीनी का 2 छोटा छोटा टुकड़ा और थोड़ा सा जीरा, साबुत गरम मसाला। और मैंने यहाँ लिया है 2-4 तेजपत्ता और 4 सूखा मिर्च। और यहाँ मैंने लहसुन के 2 गट्टे को अच्छे से छील लिया है, साफ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लौकी और प्याज को फाइनली चॉप करेंगे। तो आइए पहले हम इसे चॉपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लौकी को बीच से कट करेंगे और हमें बहुत छोटे छोटे पीस कट नहीं करना है, इस तरह से। इस तरह से हमें सारे लौकी के पीसेस को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आइए पहले हम सारे लौकी को कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, बट मैंने इस तरह से शेप कट किया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने लौकी को कट कर लिया है। अब हम प्याज को कट करेंगे। प्याज को हम लौकी के तरह ही कट करेंगे, हमें बहुत बारीक कट नहीं करना है। इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में हम प्याज को भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने लौकी प्याज दोनों को कट कर लिया है इस तरीके से। आइए हम सब्जी बनाते हैं। मैंने यहाँ गैस पे कुकर रख दिया है, अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। कुकर जब तक हीट हो रहा है तब तक हम सब्जी को तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक बड़ा सा कटोरा लिया है जिसमें हम लौकी को डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज को भी डाल देंगे। और मैंने जो साबुत गरम मसाला लिया था उसे मैंने हल्का सा कूट लिया है, बहुत बारीक नहीं कूटना है, उसे भी हम डाल देंगे इसमें। और यहाँ मैंने लहसुन लिया हुआ है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम ज़्यादा। हल्दी, अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे मिला लिया है। अब इसमें हम 1-2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, कुकर भी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को गरम होने देते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे हींग, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम। हींग के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूखा मिर्च और तेजपत्ता। उसके बाद हम सब्जियों को ऐड
करेंगे। मैंने मैरिनेट करके जो रखा था लौकी प्याज, अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसे चला लिया है, अब इसे हम ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और उसके बाद फिर इसमें हम 1-2 सीटी लेंगे। आइए इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुका है, आइए सब्जी को चेक कर लेते हैं। हमारी सब्जी जो है थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे घर का बेसिक मसाला, घर का बना हुआ मसाला है, 1 से 1.5 चम्मच छोटे चम्मच से, और इसे हम मिला लेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी गल रहा है अच्छे से। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे प्याज, मैंने प्याज को इस तरह से कट किया हुआ है, और इसके बाद हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, पानी तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, कुकर के जो ढक्कन है उसे हम सेट कर देंगे और लो फ्लेम पे हम 2 सीटी ले लेते हैं। मैंने कुकर सेट कर दिया और हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और 2 सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने 2 सीटी लगा लिया है और मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है, आइए चेक कर लेते हैं। मैंने प्रेशर को भी ठंडा कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सब्जी में थोड़ा भी पानी ऐड नहीं किया था, फिर भी इसमें ग्रेवी दिख रहा है। जो प्याज और लौकी होता है ये ऑलरेडी जूसी सब्जी होता है, इसका अपना खुद का जूस होता है जिससे सब्जी पक जाता है। तो फाइनली हमारी सब्जी पक चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसे गैस से नीचे कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे हरा फ्रेश धनिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा सब्जी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।